हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली बंपर वैकेंसी आप लोगों के सामने है। ये देख सकते हैं यहाँ पे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से 820 वैकेंसीज एएलपी की देखने को मिल रही हैं। अगर इसी तरीके से अंदाजा लगा जाए 16 आरआरबी की तरफ से तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी 10,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी यहाँ पे है। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है, टोटल 900 कुछ वैकेंसीज हैं जिसमें 820 तो सिर्फ और सिर्फ एएलपी की पोस्ट हैं। और ये बहुत बहुत गुड न्यूज़ है कि आप लोग एएलपी निकाल पाएंगे बहुत ही ज़्यादा आसानी से। और मैं आप लोगों को बता दूं, साइको के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ना आपको पार्ट बी की टेंशन लेनी है। बहुत ही आसानी से डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे। फिलहाल आप लोग यहां पे ये देख लीजिए कि कौन कौन सी पोस्ट है। तो 414 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 123 पोस्ट आप लोगों के लिए एससी एसटी के लिए है, और यहां पे आप देखेंगे ओबीसी की 221 सीटें हैं। टोटल 820 सीटें हैं। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। और मैं आप लोगों को बता दूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत आंख में भी प्रॉब्लम है तो वो एक्सरसाइज वगैरह करके ठीक हो जाती है, इसलिए फॉर्म तो फिल कर ही देना, जो होगा वो देखा जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय मैक्सिमम जो पोस्ट हैं वो असिस्टेंट लोको पायलट की ही खाली हैं, और असिस्टेंट लोको पायलट की ही ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं। अगर बात करें टेक्नीशियन की, तो आप देख सकते हैं कुल 2, 2, 20, 24, 17, मतलब बहुत कम पोस्ट यहां पर हैं। और इस तरीके से अगर ओवरऑल पोस्ट देखें तो यहां पर 952 पोस्ट हैं, 952, तो करीब 950 के करीब पोस्ट हैं। और जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट हैं वो 64 पोस्ट आई हुई हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे जूनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों की, तो वो पोस्ट आप लोगों को कितनी दिख रही हैं, टीआरडी की कितनी दिख रही हैं, इलेक्ट्रिकल की कितनी दिख रही हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो पोस्ट दिख भी रही हैं, इंजीनियर वर्क्स में सिविल इंजीनियरिंग की भी पोस्ट दिख रही हैं, लेकिन मैकेनिकल वालों की जो पोस्ट हैं वो आप लोगों के सामने कम ही दिखाई दे रही हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से आप लोगों को नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नीचे बात करें तो पूरा का पूरा प्रोसेस यहां पे दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ भी बताई गई है कि आप लोगों की कब से कब तक की डेट जो है मेंशन होनी चाहिए। आप लोगों की अपर एज लिमिट बताई गई है और बहुत ज्यादा है। अभी जितने भी लड़के हैं लगभग सभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, जो मांगी गई हैं, आप लोगों ने अगर एचआरएमएस आईडी में अपनी चीजें चढ़वा रखी हैं तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और अगर नहीं भी चढ़वाई है तो चढ़वा लीजिएगा। और जो लास्ट डेट है आप लोगों के सामने यहां पर 21/8 रखी गई है। क्लोजिंग द डेट होगा 21/8 को। ये बहुत टाइम है आप लोगों के पास और आप बहुत अच्छे से भर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है, पार्ट ए का इन डेप्थ सिलेबस है, मैथ्स है, इंटेलिजेंस रीजनिंग है, जो आप लोगों ने टारगेट्स कंप्लीट किए हैं सब कुछ सेम आएगा, मैथ्स भी रीजनिंग भी। अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग हम लोग अब कवर करा देंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे टारगेट बैच में थे उन लोगों का सारा चाहे उन्होंने कंप्लीट किए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट कंप्लीट किए हैं, चाहे वो एप्लीकेशन के अंदर किए हैं, आप लोगों को सारी की सारी चीजें बहुत ही आसान लगने वाली हैं क्योंकि आपका ये कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल यहां पे इन्होंने बोला है कि अगर जिसके पास आईटीआई डिप्लोमा कुछ नहीं है और 10+2 है, वो एसएनटी की पोस्ट के लिए एलिजिबल है और वो फिजिक्स एंड मैथ्स की ट्रेड चूज कर सकता है। अब बात आएगी वही वाली बार बार कि भैया एक बात बताओ, जिसके पास दो चीजें हो गई, मतलब फिजिक्स एंड मैथ्स तो उसके पास है ही, जब उसने बीटेक किया है तो वो एसएनटी के लिए एलिजिबल ही है और एएलपी के लिए भी एलिजिबल है, अब बताओ वो कौन से ट्रेड चूज करे। तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि जो लोग दो ट्रेड के लिए एलिजिबल थे उन्होंने कोई सी भी एक ट्रेड चूज की थी। जिनके पास 12th पीसीएम है वो कोई सी भी एक ट्रेड चूज करने के पात्र हैं। इस तरीके की चीजें पिछली बार हुई थी, इस बार और थोड़ा सा क्लियरेंस देखने की जरूरत पड़ेगी जो आपको बाद में कंफर्म किया जाएगा। फिलहाल यहां पे ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को दे दी गई हैं। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आ गई हैं। नीचे पूरा का पूरी डिटेल यहां पे बताई गई है जो आप लोगों के सामने है। 21 पेज का ये पूरा नोटिफिकेशन है और बहुत बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल भी मतलब ये अपॉर्चुनिटी नहीं जानी चाहिए। 821 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर है, तो एनआर के अंदर कम 1500 के आसपास पोस्ट देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से करीब करीब आप लोगों की 10,000-12,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, जो बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और सिर्फ आप लोग अप्लाई करने वाले हो। और दूसरी चीज, 1900 ग्रेड पे की वैकेंसी, मैं आप लोगों को कह रहा हूं अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस रही तो माइका लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, लेकिन अगर आपके पास गाइडेंस नहीं रही फिर आप लोग परेशान रहेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, फुल गाइडेंस प्रोग्राम हम लोग भी चलाने वाले हैं और आप लोगों को पूरी तैयारी कराएंगे इसकी, जीरो टू हीरो। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, पूरे 2 महीने का क्रैश कोर्स टाइप कराएंगे और उसके अंदर आप लोगों की सारी चीजें कवर अप करा दी जाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।